हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 4 है। इस यूनिट में हमारे 3 रीडिंग्स है, रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीडिंग ए के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रीडिंग ए है और यहाँ पर हमारा फेस शीट दिया गया है। तो फेस शीट में नॉर्मली हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है ग्लेशियरी। तो इस वीडियो में हम लोग ग्लेशियरी भी कुछ एक्स्ट्रा ग्लेशियरी भी देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारा वोकैबुलरी आता है, वोकैबुलरी भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ग्रामर पार्ट्स। तो ग्रामर पार्ट्स में भी हम कुछ ग्रामर पार्ट्स में टोटली डिस्कस करेंगे, जितने भी इस चैप्टर में हैं वो सारे के सारे हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी स्किल्स। सो स्टडी स्किल्स में जो भी कुछ हमको दिया गया होगा वो सारे के सारे हम देखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है ओरल एक्टिविटी। तो हम यहाँ तक देखेंगे, अपने आज के इस वीडियो में हम लोग ओरल एक्टिविटी तक देखेंगे। तो चलिए हम अपने आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम अपने आंसर की ओर आ चुके हैं और ये रहा हमारा पहला फेस शीट। सो फेस शीट में हमारा जो आता है वो पिक्चर्स और यहाँ पे कुछ फेस शीट का पहला आंसर है। ओके, ये फेस शीट का हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ये फेस शीट का आंसर है। ओके, उसके बाद ओरल डिस्कोर्स आता है हमारा। ओरल डिस्कोर्स में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्लैरिटी अच्छी ना दिखे तो आप वहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ओके, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकता हूँ मैं। और यहाँ पे नॉर्मल समरी है, अगर आपको रीड करना रहता है तो आप रीड कर सकते हो। नॉर्मली नहीं स्किप करना रहता है, यू कैन स्किप, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ज़्यादा पेजेस। ओके, सो यहाँ पे समरी है ओनली। ठीक है, समरी इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आता है हमारा ग्लेशियरी। ओके, सो ग्लेशियरी में अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंस हो आप देख सकते हो। द वर्ड विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन रिमेंबर, अदरवाइज यू कैन लीव दैट, इट डजेंट मैटर फॉर एनी वर्ड्स। ओके, एंड इफ यू हैव अ डिक्शनरी यू कैन सर्च विद डिक्शनरी, बट इफ यू वॉन्ट टू बी फोकस इन दैट्स सो यू कैन फोकस इट हियर ओनली। ओके, इन दैट्स वर्ड। ओके, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप वीडियो को इस मतलब कि पूछ करके आप देख लेना। ठीक है, जो भी स्टार्टिंग से अगर आपको चाहिए तो कुछ भी डाउट हो तो यहाँ तक है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ भी है, मेरी वॉइस थोड़ी कम आएगी, मतलब कि थोड़ी सी वॉइस थोड़ी डल सी आती है, थोड़ी सी मतलब आवाज़ कम आती है क्योंकि मेरे पास उतनी कोई सी भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तब पर भी मैं बिना विदाउट फैसिलिटीज़ ये सब दे रहा हूँ। ठीक है ना, उतनी फैसिलिटी नहीं है कि अच्छा सब वॉइस है वो आए, तुम वॉइस से नहीं अपने आंसर से मतलब रखो बस। ठीक है ना, बात का बुरा मत मानना, बस ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा डेल करो तो। ओके, ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो जा रहा है। राइट, ओके, ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट देख लो, ओके ना, उसके बाद यहाँ पे आता है। राइट, ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो को पूछ करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद आराम से लिख लेना। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को देखते देखते लिखने के लिए। आराम से पहले वीडियो को देख के जो भी आंसर क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसके बाद आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद सिक्स्थ और सेवन्थ देख लो आप। राइट, उसके बाद आता है हमारा वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में ये रीडिंग से है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोटिस द अंडरस्टैंड अंडरलाइन वर्ड्स। ओके, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारी ये आती है, ठीक है,
तो वेकेबलरी में हमारा जो आंसर सीट है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आपको क्लैरिटी में दिख रहा होगा, ओके ना। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद देखो नेक्स्ट में ये आता है हमारा, राइट, थोड़ा सा नीचे कर दो, हाँ चलो ये आता है हमारा, राइट, नेक्स्ट में ये आता है हमारा फिर, और यहाँ आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन से हमारे वेकेबलरी के, ओके। सो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर देखने के लिए उसका मिल जाएगा, राइट, ओके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में अगर आओगे तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा ये इंजलेशन या समथिंग, ये कुछ दिया है, ठीक है ना, ये अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो आप लिख लो, नहीं इम्पोर्टेंट है स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लिखने के लिए बड़ी बड़ी स्टोरी, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद आता है चिल्ड्रन फॉर फिल्म, ओके। सो ये आप देख लो, ये जस्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, आंसर नहीं है, बस दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो कुछ कुछ स्किप हो जाता है तो आप लोग बोलते हो कि ये स्किप हो गया, वो स्किप हो गया, ठीक है ना, तो ये उसके बाद आंसर सेट ये है, ठीक है, आंसर ये वाला है, राइट, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रामर पार्ट्स हमारा, तो ग्रामर पार्ट्स में नॉर्मल देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर्स के नीचे है, जस्ट नीचे है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन देख लो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने टेस्ट बुक से मैच करके देख लो, ठीक है ना। और मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन आएगी क्योंकि मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, रात का वक्त है इसीलिए, ठीक है ना। और ये रहा आंसर तुम्हारा, ओके, आंसर देख लो, आंसर सही है ना, आंसर तो पूरी सही है, सॉरी आंसर तो सही ही है, टेस्ट बुक में प्रिंट, ओके, सही से लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यहाँ जो दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा तो ध्यान से देख लेना, ओके ना, अगर कुछ डाउट है तो बोल देना, राइट। उसके बाद यहाँ से ये आता है, ठीक है, ये देख लो, समझ समझ के लिखना टेस्ट बुक में, ये नहीं कि कन्फ्यूज हो जाना, ठीक है ना, समझ समझ के अच्छे से टेस्ट बुक से लिखना, मैं तो क्वेश्चन सब क्वेश्चन पूरा दिखा दिया हूँ फिर आंसर दिखा रहा हूँ, अगर तुमको कुछ डाउट हो तो टेस्ट बुक सामने रखना, टेस्ट बुक में देख लेना ये कौन सा है और कहाँ का है, उसके बाद स्टार्ट करना लिखने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद ये रहा टिक आउट आंसर है, दिखा रहा है आंसर, दिखा रहा है, एक मिनट यार, ठीक है, ये आंसर दिखा रहा है, ठीक है ना, ओके, चलो यहाँ तक तो ठीक है, नेक्स्ट ले चलते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा आंसर सीट, ओके, पेस, ओके, राइट, यहाँ से है फिर, उसके बाद हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, थोड़ा सा डाउन हो जाओ, एंड ये हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 20 क्वेश्चन है पूरे पूरे, थोड़ा सा छोटा, ओके, दिख रहा होगा तुम लोगों को, 20 क्वेश्चन है, राइट, और ये 20 क्वेश्चंस टोटली सही हैं। और यहाँ देखो, अब आया हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, ओके, एंड दैट्स आल्सो क्वेश्चन इज देयर। उसके बाद आता है हमारा ये वाला, ये देखो, और इसका आंसर यहीं पे है, ठीक है ना, यहीं आंसर ही देख लो, क्या है जो होते हैं क्वेश्चन देखने की, कितनी छोटी सी कर देता हूँ थोड़ी, अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है ना, यार ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, इतने पे दिख रहा है ना, चलो ये वाला, ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला है नेक्स्ट में, ठीक है, या ये वाला है, इसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंस, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद इसका आंसर जो है वहाँ पे है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे उसका आंसर है, ओके। उसके बाद आता है हमारा स्टडी स्किल्स, स्टडी स्किल्स में ये हमारा कॉमेडी टाइप का कुछ है, और यहाँ पे हमारा आंसर जो भी है, ये अगर इम्पोर्टेंट है तो सही है, नहीं तो जस्ट लिप करो, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, लेकिन कोई कोई रहता है बोलता है भैया स्टडी स्किल छूट गया, फिर लिसनिंग छूट गया, ओरल छूट गया,
तो अभी ही देख लो, ठीक है ना। जो भी देख रहे हैं स्टडी स्किल्स उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद आता है ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, लिसनिंग है, ठीक है ना, लिसनिंग है, ठीक है। लिसनिंग में ये कुछ है, और जो आ गया जो यहाँ पे थोड़ी सी राइट यहाँ तक देखो, ठीक है। उसके बाद पेज टर्न करता हूँ। ऐसे पूरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पूरी चीज़ दिखाने में वीडियो लंबी हो जाती है, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये देखो, ठीक है ना। उसके बाद ओरल एक्टिविटी है, और ओरल एक्टिविटी के बाद तुम्हारा ये हो गया आंसर, ठीक है। ओरल एक्टिविटी रखी है, और माइंड मैप देख लो, माइंड मैप भी देखना है, देख लो। माइंड मैप से कुछ हो या तो है नहीं, अगर इम्पोर्टेंट है तो देख लो, ठीक है। ओके, तो हमारे जितने भी थे उस टेस्ट बुक में ओरल एक्टिविटी तक, तो हमने ओरल एक्टिविटी तक टोटली देख लिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।